हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस वीडियो सीरीज़ में हम नेट JRF इन्वायरमेंटल साइंसेज के यूनिट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज का ये हमारा 5th लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, EIA इज नेसेसरी बिकॉज। जब भी हम EIA की बात करते हैं तो इसमें सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है सस्टेनेबिलिटी और दूसरी चीज़ है कि जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहे हैं वैसे वैसे जो पब्लिक है उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि किसी भी एक्टिविटी का हमारे जो सराउंडिंग्स में लग रही है, हमारे एरिया में जो लग रही है, उसका क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए ही EIA जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो EIA इज़ नेसेसरी बिकॉज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन पब्लिक इंटरेस्ट, और सेकंड चीज़ क्या है, देयर इज़ ए ग्रोविंग इंटरेस्ट इन सस्टेनेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी और सी इस क्वेश्चन के सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग सिग्निफिकेंस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ए डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ऑन इन्वायरमेंट। इस टाइप के क्वेश्चन हमें बड़े ध्यान से पढ़ने चाहिए जिनमें नॉट आ जाता है, बिकॉज ये एक वर्ड आते ही पूरा का पूरा सेंस चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है व्यू एंड वैल्यू ऑफ द डेवलपर। व्यू और वैल्यूज डेवलपर की, ओनर की जो है वो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखती हैं जब भी हम EIA करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थ्री, व्यू एंड वैल्यूज ऑफ डेवलपर, आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग बेनिफिट में अक्यूर एज ए रिजल्ट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑडिट। मटेरियल ऑडिट लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कॉस्ट, बिल्कुल सही है। पोल्यूशन मॉनिटरिंग लीड्स टू इन्वायरमेंटल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये भी सही है। अप्रोच टुवर्ड्स जीरो डिस्चार्ज एंड जीरो इमिशन लीड्स टू क्लीन डेवलपमेंट, ये भी सही है। और इंसेंटिव फॉर पोल्यूशन अबेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन इम्पोर्ट टैक्स लीड्स टू क्लीनर इन्वायरमेंट, ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं। इन्वायरमेंटल ऑडिट के जितने भी हमारे पास में ऑप्शन दिए हुए हैं चार, ये सब फायदे हैं, बेनिफिट हैं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर, ए बी सी एंड डी। अगला क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। EIA जो हमारा है वो EPA एक्ट जो है हमारा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसके अंदर आता है। ये हमारा नोटिफिकेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पब्लिश की थी उसके सब रूल 3 ऑफ रूल 5 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में हमारा EIA है। अगला क्वेश्चन है, ए कंपनी ऑपरेटिंग ए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज़ डेवलप्ड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम टू इन्हांस इट परफॉर्मेंस एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट। द की एस्पेक्ट ऑफ द EMS वुड इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ इन्वायरमेंटल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। EMS में इन्वायरमेंट के सारे सेक्टर आ जाते हैं। जब भी हम EMS बनाते हैं
उसमें जितने भी किसी भी कंपनी में कंपोनेंट होते हैं उनका इन्वायरमेंट अफेयर कैसा है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट करें, ये सब आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3, द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर इन्वायरमेंटल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट प्रैक्टिस इन स्कोपिंग रिक्वायर्ड ए साइट विजिट, रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ अदर सिमिलर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एम्प्लॉइंग फॉर्मल स्कोपिंग टेक्निक। स्कोपिंग में हम ये तीनों चीज़ें करते हैं, साइट विजिट भी करते हैं, सिमिलर प्रोजेक्ट भी देखते हैं, और जो हमारे डाटा कलेक्शन के लिए, असेसमेंट के लिए जो टेक्निक्स हैं वो भी हम सारी यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 A, B एंड C सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ये सारी प्रैक्टिसेस हम स्कोपिंग के दौरान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। लिस्ट 1 में स्टेजेस ऑफ EIA दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में एक्शन इन EIA दिए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीनिंग की। जब भी हम स्क्रीनिंग की बात करते हैं, हिंदी में बोले तो छांटना, तो जब हम, और आपको ये पता ही होगा कि स्क्रीनिंग हम केवल B प्रोजेक्ट की करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा B1 कैटेगरी में आएगा, कौन सा हमारा B2 कैटेगरी में आएगा। ऐसा जब हम करते हैं तो हम अपने स्कोप को, अपने EIA की एप्लीकेशन को नैरो कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। जितना रिक्वायर्ड है आगे हम उतना ही प्रोसीड करते हैं। नैरोइंग द एप्लीकेशन ऑफ EIA का क्या मतलब है कि हम उस चीज़ को छोटा कर लेते हैं, कम कर लेते हैं, जिससे कि आसानी से अगला हम जो प्रोसीजर है उसको फॉलो कर सकें। स्कोपिंग, स्कोपिंग अर्लियर इंडिकेशन ऑफ क्रूशियल इम्पैक्ट। स्कोपिंग के दौरान, स्कोपिंग जब हम करते हैं तो उसमें हम इम्पैक्ट कौन कौन से होंगे, कौन कौन से की इश्यूज होंगे और टोर, ये मेन काम करते हैं। टर्म ऑफ रेफरेंस डिसाइड करते हैं, जो हमारे मेन इश्यूज, कंसर्न इश्यूज हैं वो हम देखते हैं, और कैसे उसके असेसमेंट करेंगे ये सब हम स्कोपिंग के दौरान करते हैं। तो अर्लियर इंडिकेशन ऑफ क्रूशियल इम्पैक्ट जो है वो हम कहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं अपना, स्कोपिंग के दौरान। बेस लाइन डिस्क्रिप्शन, बेस लाइन डाटा के बारे में हम पहले भी, पिछले लेक्चर्स में भी काफ़ी बात कर चुके हैं। बेस लाइन डाटा जो होता है वो फ्यूचर और प्रजेंट में आज की स्थिति क्या है और फ्यूचर में कौन कौन से इम्पेक्ट हो सकते हैं उसको देखते हुए आज के तारीख में, आज की डेट में, प्रजेंट टाइम में हम डाटा इकट्ठा करते हैं। और जब हमारा प्रोजेक्ट लग जाता है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल में क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, जो हमने प्रिडिक्ट किए थे और जो एक्चुअल में हो रहे हैं, उनके बीच में कंपैरिजन में भी हमें हेल्प मिलती है बेसलाइन डाटा से। मिटिगेशंस मेजर्स, रिड्यूस और अवॉइड द इम्पैक्ट। मिटिगेशन मेजर्स इसलिए लिए जाते हैं जो प्रिडिक्टेड इम्पैक्ट हैं उनको कम से कम किया जा सके, उनको अवॉइड किया जा सके। तो ये आपके सही मैच है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन EIA जनरली डज नॉट इंक्लूड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑप्शन 4 आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑपरेशनल मैनेजमेंट को EIA में हम इंक्लूड नहीं करते हैं। इन विच EIA गाइडलाइन नोटिफिकेशन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट वर कैटेगराइज एज A एंड B इन इंडिया। EIA नोटिफिकेशन 2006 के अंतर्गत, इसके अंडर हमने सभी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया था, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। तो ऑप्शन नंबर 3, EIA गाइडलाइन नोटिफिकेशन 2006 सही आंसर है आपके इस क्वेश्चन का।
इको लेबलिंग ऑफ कॉमर्शियल प्रोडक्ट इज रेगुलेटेड बाई ISO 14020. ISO 14020 जो है वो इको लेबलिंग को रेगुलेट करता है. अगला क्वेश्चन है बैटले कोलंबस वेटिंग स्केल चेकलिस्ट मेथडोलॉजी फॉर वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट ऑब्टेन बेस लाइन डाटा ऑन हाउ मैनी इन्वायरमेंटल पैरामीटर. 78 ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है. फिर से मैं आपको वही चीज़ कहूँगा कि आपने ईच एंड एवरी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर को ध्यान से नोट करना है. अब ये इन्होंने क्वेश्चन दिया है बैटले कोलंबस वेटिंग स्केलिंग चेकलिस्ट मेथोडोलॉजी फॉर वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट. ये मैंने क्यों एम्फेसिस किया है, इसलिए किया है क्योंकि आपका जुलाई 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें क्वेश्चन है बैटले कोलंबस वेटिंग मेथड स्केलिंग चेकलिस्ट मेथडोलॉजी यूज्ड फॉर, और उन चार ऑप्शंस में आपका वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट है. तो ये जो एक पूरी लाइन है इस लाइन से ही उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है. तो आप लोगों का मेरा यही सजेशन है कि आप बड़े ध्यान से आप क्वेश्चंस को देखें, उनके आंसर को देखें, नोटबुक में नोट करें. इसी टाइप से क्वेश्चन बन के आते हैं. आप ऐसे ही रैंडमली क्वेश्चन पढ़ लोगे, उसके बाद में आंसर 78 लिख दिया, बस हो गया. बट अगर प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करने हैं तो आपने हर लाइन को बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से याद करना है और उनके आंसर को ध्यान से याद करना है. तो इस क्वेश्चन का 78 आंसर है, बट इसी क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आया और वो उन्होंने जुलाई 2018 के क्वेश्चन में पेपर में डाल दिया. अगर आप लोगों के कोई सुझाव हैं हमारे किसी भी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता सकते हैं. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें. सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू.